हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज आपके साथ मैं एक बहुत ही इजी पीजी मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। ये लुक आप अपने किसी भी फंक्शन में क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो वेडिंग हो या रिसेप्शन हो। सो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो राइट नाउ देर इज़ नथिंग ऑन माई फेस, और सबसे पहले हम अपने फेस को करेंगे मॉइस्चराइज। सो मैं ले रही हूँ न्यूट्रोजिना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, जो कि कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सो मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी बिफोर मेकअप। अभी मैं वेट एंड वाइल्ड की फोटो फोकस फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मेरा शेड है गोल्डन बेज। और आप जब भी फाउंडेशन यूज़ करो, हमेशा उसे एक बार पहले अच्छे से शेक करो, एंड देन अपने पूरे फेस पे उस फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। और फाउंडेशन हमेशा आप कम क्वांटिटी में से ही स्टार्ट करें। मैं यहाँ पर फाउंडेशन की बहुत ही मिनिमम सी लेयर लगा रही हूँ अपने फेस पे, और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने पूरे फेस पर। अब मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर, इसमें मेरा शेड है मीडियम टॉनी, और इससे मैं अपने आईलिड्स पे और अपने आंखों के नीचे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, सो दैट जितने भी हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो इसे कवर हो जाते हैं। एज सच मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा हाईलाइटिंग के पर्पज से इसे यूज़ कर रही हूँ, और उससे भी मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहो तो इस स्टेप को टोटली स्किप कर सकते हो, जैसा आपको पसंद हो। और अब इसके बाद मैं एक कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने कंसीलर और अपनी फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर रही हूँ, सो दैट वो अपनी जगह से बिल्कुल हिले ना। उसके बाद अब मैं ये वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ। ये पेंसिल बहुत अच्छी है, इसके एक साइड पे प्रोडक्ट है और दूसरी साइड पे स्पूली है। तो सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज़ को फिल इन करूँगी, और जो उसके साथ जो स्पूली दी गई है उसे उसके बाद मैं अच्छे से स्पूली करके जितना भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उसे मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी अपने आईब्रोज़ पर। और आई शेडो के लिए मैं ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये वेट एंड वाइल्ड का पैलेट है, और इसका शेड है कंफर्ट जोन, और इसमें बहुत ही प्यारे शेड्स हैं। और मैं ये जो शेड आपको दिखा रही हूँ, मैं सबसे पहले इसे अपनी क्रीज लाइन पे लगा के सबसे पहले मैं अपनी क्रीज बिल्ड करूँगी, ताकि मेरी आईज़ को थोड़ी सी डेप्थ मिले। सो मैं इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज लाइन पे, और इसके बाद ये थोड़ा सा डार्क शेड मैं लूँगी और इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर आउटर वी पर अप्लाई करूँगी। और मैं फोकस करूँगी कि मैं इसे पहले आउटर वी पे प्लेस करके फिर थोड़ा अंदर की ओर और मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं एक पर्पलिश पिंक कलर को लेके अपनी आउटर वी पर अच्छे से डिपॉजिट कर रही हूँ, और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसी भी कलर की आपकी ड्रेस हो। मेरी ड्रेस में थोड़ा सा पर्पलिश पिंक कलर था, तो मैं यहाँ पर उस कलर को लेकर अच्छे से अपनी आईलिड पे डिपॉजिट कर रही हूँ। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो आई लुक बहुत ही अच्छी और स्मूथ फिनिश आएगी। अब मैं एक फ्लैट ब्रश पे थोड़ा सा मेकअप फिक्सर लगा रही हूँ, ताकि जो भी मैं आई शेडो से पिक करूँ वो बहुत ही पॉप होके नज़र आए मेरी आईलिड्स पे। और मैंने इससे पहले ट्राई किया था अपने फिंगर से, बट जो कलर था वो उतना अच्छे से मेरे लिड्स पे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए आप भी ऐसे कर सकते हैं, अपना मेकअप फिक्सर को अपने ब्रश पर अप्लाई करके उसे लगा सकते हैं। और मैं अपने पूरे आईलिड्स पे इसे अच्छे से लगा रही हूँ इस शेड को। ये एक ब्लूइश ग्रीन शेड ले रही हूँ, ये एक बहुत ही अच्छा मेटालिक शेड है, और ये आपकी आईलिड्स पे बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी फिर से मैं थोड़ा सा वही जो मैंने सेकंड शेड लिया था उसे अपने आउटर वी में लगा के अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि जो हमारी लुक है वो बिल्कुल क्लीन लुक आए, और जितने भी हमने आई शेड्स लगाए हैं वो सब अच्छे से मर्ज हो जाएं और एक बहुत अच्छी क्लीन फिनिश आए उन सबकी। और अब मैं स्टे कोकी का लिक्विड आईलाइनर ले रही हूँ, और उससे मैं अपना विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट स्टिल मैं जैसे करती हूँ, जो मुझे पसंद है, जितना मुझे आता है, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो प्लीज़ डोंट जज मी ऑन दैट बेसिस। और जब भी आप आईलाइनर लगाएं तो पहले आप आउटर वी पर एक छोटी सी लाइन लगाएं और फिर उसे अंदर की तरफ ड्रॉ करें, तो आपका आईलाइनर बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बहुत आसानी से आईलाइनर लगा लिया है।
और अब मैं काजल लगाऊंगी। काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा की आई पेंसिल, और इसे मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और अब मैं ये दो शेड्स इस पैलेट्स में लेके अपने जो लोअर वाटर लाइन पे मैंने जो काजल लगाया है उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, सो दैट एक अच्छी सी लुक आए। और अब बारी है मेरे फेवरेट पार्ट की, जो कि है मस्कारा। ये है मेबलिन का हाइपर कर्ल एक्सप्रेस वॉल्यूम मस्कारा, और इसे हम अपनी अपर लैशेस और लोअर लैशेस दोनों पे अच्छे से कोट कर लेंगे, 3-4 कोट लगाएंगे अच्छे से। अब मैं गाइस थोड़ा सा अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ, सो दैट जैसे आप जानते हैं मेरी चीक्स काफ़ी, मेरा फेस काफ़ी चबी चबी सा है, सो मैं अपने दोनों तरफ दोनों जॉ लाइन को थोड़ा सा कॉन्टोर करूँगी। और अब मैं लगा रही हूँ ब्लश, ये है एसेंस का ब्लश, और मैं बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई करूँगी ब्लश को। और अब मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर इन द शेड प्रेशियस पेटल, और ये हाइलाइटर तो गाइज आपके पास होना ही चाहिए, ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है, और मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे इसे अप्लाई कर रही हूँ सो दैट मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई सी लगे। गाइज हाइलाइटर हमेशा हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमारे फेस पर लाइट पड़ती है। और अब उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लिक्विड लिपस्टिक, जो कि है वेट एंड वाइल्ड की कैटसूट लिपस्टिक, और इसमें मेरा शेड है नाइस टू फूशिया। ये बहुत ही प्यारा शेड है, फूशिया कलर है ये, मीडियम टू डार्क स्किन के लिए बहुत अच्छा शेड है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी स्किन टोन मीडियम टू डार्क है। और अब लास्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप फिक्सर, जो कि है वेट एंड वाइल्ड का, ताकि जितना भी हमने मेकअप किया है वो अच्छे से फिक्स हो जाए और वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले ना। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक मेकअप लुक पसंद आई होगी। गाइज आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने चूज़ किया है आप वही यूज़ करें, आप अपने मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।